नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ कंचन। ऐसे तो आए दिन आपके सामने मैं राजनीतिक खबरों को लेकर पहुंचती हूं, लेकिन अभी अभी जो बिहार में एक लापरवाही सामने आई है जो अपने आप में ही चौंकाने वाला मामला है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे जो एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि जब मरीज मर जाते हैं, उन्हें दवा नहीं मिलती है, लेकिन एक जगह जहां दवाई को एक्सपायर हो कर दिया गया है, टाइम पे मरीजों को नहीं दिया गया है और उसे किस तरह से आग में जलाया जा रहा है, लाखों की दवाइयों को जलाया जा रहा है। आपको बता दें कि मोतिहारी से एक वीडियो सामने आया है जिसमें दवाई को जलाया जा रहा है जो रोगियों को टाइम से नहीं दिया गया। आप देख सकते हैं कि बिहार में आए दिन रोगी जो है मर जाते हैं क्योंकि उन्हें दवाइयां उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन मोतिहारी में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें दवा टाइम से नहीं दी गई मरीजों को और उसके बाद जब वो एक्सपायर हो गया है तो लाखों की दवाइयों को आग में जलाया जा रहा है। पहले देखिए इस वीडियो को। होता है देखा है, ये मोतिहारी के पताही प्रखंड का है जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से लोग आके यहाँ पे इलाज कराते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा है कि कितने तादाद में दवाई का भंडार जैसा है उसको जलाया जा रहा है जिसमें कैल्शियम की दवाएं हैं, इंजेक्शन है जो मरीजों को टाइम से उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके बाद वो एक्सपायर हो गया और उसे जलाया जा रहा है। अपने आप में ये एक चौंकाने वाला बात है कि जहां बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था आए दिन रोज एक लापरवाही को दिखा रही है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि 65 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, उसके बाद जो कोरोना टाइम में जो मरीज मरे, जो डबल मरीज मरे, जहां 1% मरीज को मरना था कोरोना के कारण, तो वहीं 10% मरीज मर रहे थे बस और बस स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही। स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं थी, हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, इंजेक्शन नहीं था। और वहीं आज के टाइम में जब कैल्शियम की दवा है जिससे कि एनर्जी मिलता है मरीज को, उसके बाद जो इंजेक्शंस है सभी को जलाया जा रहा है, ये अपने आप में ही कितना शर्मसार बात है कि मरीजों को वो टाइम पे नहीं दिया गया और उसे जलाया जा रहा है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही आए दिन सामने आ रही है। तो वहीं मंगल पांडे आए दिन दिखते हैं कि वो अपने बयानों में कहते हैं कि हम उस पर कार्रवाई कर देंगे। तो जिस तरह से नीतीश कुमार की शराबबंदी फेल होती है, उस तरह से मंगल पांडे का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छे ढंग से नहीं चला पा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो भी फेल हो रही है। अब देखना होगा कि जो ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इस पे अब मंगल पांडे क्या कहते हैं, क्योंकि मंगल पांडे हमेशा कहते हुए नजर आते हैं कि मैं उस पे कार्रवाई कर दूंगा, लेकिन उनकी विधि व्यवस्था इस तरह से है कि रोज स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही सामने दिख रही है। बहरहाल खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे भारत लाइव। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।